सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल लर्निंग पॉइंट को और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, और आप पहले हमारे इस क्वेश्चन के आंसर अपने खुद से दीजिएगा और उसके बाद हमारे आंसर से मिलाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे वो है डिक्की डोलम। तो इसका आंसर नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो बचेंद्री पाल थी। और दूसरी कौन थी, वो थे संतोष यादव। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांग में सबसे पहले महिला कौन थी, तो वो अरुणिमा सिन्हा थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये रहा आज पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो चोल साम्राज्य का अंत होयसल और यादव वंश ने किया था। तो इसका आंसर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ताजमहल की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो जो ताजमहल की लंबाई है वो 896.1 मीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है 300.84 मीटर है। तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी आंसर सही हो जाएगा। छठवा क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। तो इसका आंसर नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो हमारे भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें केवल हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। और आपको 9 राज्यों के नाम बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। आठवां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ? तो पहला है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा सऊदी अरब, चौथा ईरान। तो नेपाल ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ। तो इसका आंसर नंबर जो बी आंसर सही हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में बनी पहली 3D फिल्म का नाम क्या है? तो पहली 3D फिल्म का नाम आपको बता दें अनुरुक्ति है। तो इसका भी आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अनुरुक्ति जो मूवी है वो 3D फिल्म है, जो पहली संस्कृत भाषा में बनी हुई मूवी है, फिल्म है। दसवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो पांडिचेरी की स्थापना 7 जनवरी 1963 में हुई थी। तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। तो इसका आंसर नंबर जो है वो सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 1959 में। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 5 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 14वां नंबर क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो इसका आंसर नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो पहला जन आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसका आंसर नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और नमक आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। ये तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। और नील आंदोलन 1859 ईस्वी में चलाया गया था, जो बंगाल के लोगों के द्वारा चलाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिषा फूले थे। तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो पक्की ईंट की बनी इमारतें हैं, क्योंकि वहाँ उस सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट की इमारतें बनी का साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना शहर हमारा वाराणसी है, तो इसका ए आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? स्नातक का मतलब ग्रेजुएट, तो जो पहली भारतीय महिला स्नातक थी वो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु थी, तो इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सीलोन, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी आपको पता है वो गंगा है, तो ये गंगा सबसे लंबी नदी है, सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? तो समुद्रों की रानी फ्रांस देश को कहा जाता है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी, तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म होती है। तो ये रही दोस्तों 25 क्वेश्चन, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो डेली बनाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।